हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत जो ना थैंक्स करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट्स कर रहे हो और मेरे चैनल पे जो ना इतने ज़्यादा जो ना सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो मुझे बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि भाई आपके सब्सक्राइबर इतने जल्दी कैसे बढ़ रहे हैं, आप कौन सी ट्रिक यूज़ कर रहे हो, आपके सब्सक्राइबर कैसे बढ़ रहे हैं। तो भैया देखो, अगर तो आप लोग चाहते हो कि आप दिनों दिन जो है ना यूट्यूब के सबसे ऊपर चले जाओ, वो तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूट्यूब का ऐसा एक एल्गोरिथम है कि जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करोगे, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूज़, आपके चैनल पर जो है ना ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तो यार, अगर मेरे पास कोई इस तरह का ट्रिक्स होता कि मैं जो ना अपने सब्सक्राइबर जो ना लाखों में या मिलियन में कर लेता, तो मैं ये सब कुछ क्यों करता, मैं क्यों आपसे कहता कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूँ कि मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। तो इसी तरह होता है कि आप लोग दूसरों से कह के, दूसरे दोस्तों से बात करके, ठीक है, तो अपने सब्सक्राइब बढ़ा सकते हो, या अपनी वीडियो क्वालिटी को आप इस तरह से लोगों के सामने लेके आओ कि लोग आपके चैनल को जो ना सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाएं, वो आपकी वीडियो देखें और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग अगर सोचो कि कोई ऐसी ट्रिक्स हो जिससे हम जैसे फेसबुक पे या दूसरी चीज़ों पर हम जो ऑटोमेटिकली लाइक ले लेते हैं, या ऑटोमेटिकली हम कोई भी जो ना वीडियो के ऊपर व्यूज़ ले लेते हैं, तो ऐसे हम कर लें, ऐसा करने से आपको कुछ भी नहीं होगा, ना कहीं से आपको व्यूज़ मिलेंगे, ना आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो आपको मैं बस तरीका ये बताता हूँ कि आप यूट्यूब के ऊपर आए हो तो यूट्यूब के ऊपर मेहनत करो, यूट्यूब को छोड़ो नहीं। अगर आपने एक वीडियो डाल दिया तो आप सोचोगे कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज्यादा व्यूज आ जाएंगे और हमारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपने एक वीडियो डाल लिया, ठीक है, उसके ऊपर कोई व्यूज नहीं आया, आपको जो ना टेंशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप जो ना डीमोटिवेट नहीं होना, आपने फिर से एक वीडियो डालनी है, ठीक है। अगर उसके ऊपर भी आपका व्यूज नहीं आ रहा तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने फिर भी हिम्मत नहीं आनी, मजीद जो ना वीडियो डालते रहिए। एक ना एक दिन आपका ऐसा आएगा कि आपकी कोई ना कोई एक वीडियो जो ना वो यूट्यूब के ऊपर वायरल हो जाएगी, और ये दिन दूर नहीं है कि आपकी वीडियो वायरल ना हो। और यूट्यूब का ये रूल है कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर काम करोगे तो आपको वीडियो का आगे जो ना भेजेगा, आगे लोगों को दिखाएगा, चर्चित में दिखाएगा, क्योंकि आगे रिकमेंड करेगा, उसके बाद पेजेस में दिखाएगा। तो वो आपकी वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कैसी बना रही है। अगर आपकी वीडियो एक अच्छी क्वालिटी की है, अगर आपके पास जो ना एक अच्छा टैलेंट है, तो आपकी वीडियो ज़रूर लोग सब्सक्राइब करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप जो ना अच्छा कैमरा लो, अच्छा आपके पास माइक हो, यार मेरे पास देख लो अभी इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे पास एक माइक है, ना मेरे पास कोई ट्राईपॉड है, मैं सामने मोबाइल रख के तो वीडियो बना रहा हूँ, और पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो मेरे पास कोई भी ऐसा खास बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं क्या सोचूँ कि यार मेरे पास जब बैकग्राउंड आएगा मैं तब वीडियो बनाऊंगा, फिर मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर एक कैमरा हो अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा, उसके बाद आपका बोलने का तरीका और आपका जो ना एक लहजा होना चाहिए इंसान को समझाने का। तो मैं आपको यही बात बताता हूँ कि भाई यूट्यूब पे ऐसा कोई भी ट्रिक्स नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसकी मदद से आप जो ना वो सब्सक्राइबर बढ़ा सको या आप दिन में ऊपर जा सको, ऐसा कोई भी नहीं है। बस एक बात है कि आपने मेहनत करनी है, आपने डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड करनी है, आपने एक टाइम नोट कर लेना है कि भाई मैंने इस टाइम पर वीडियो, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने वीडियो अपलोड करनी करनी है। ठीक है, आपके चैनल पर 50 वीडियो हैं, 100 वीडियो हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने वीडियो जो ना वो अपलोड करते जाना है। ठीक है, एक टाइम आएगा कि आपकी कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर वायरल हो जाएगी, और जब आपकी वीडियो एक वायरल हो जाएगी तो आपकी सारी वीडियो जो है ना बेकार नहीं जाएंगी। आप सोचो कि यार इन वीडियो का अभी व्यू नहीं आ रहे, ये वीडियो फालतू है, वही वीडियो आपकी जो ना आस्ता आस्ता उसके ऊपर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपके चैनल के ऊपर ऑडियंस कोई नहीं है, आपके चैनल को भी कोई देखने वाला कोई नहीं है। जब आपके चैनल के ऊपर ऑडियंस आ जाएगी, जब लोग आपके चैनल के ऊपर आ जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो जो ना ऊपर आती जाएगी और आपकी वीडियो लोग देखते जाएंगे, उसका वाच टाइम बढ़ेगा और यूट्यूब आगे उसको सजेस्ट में शो करेगा और आगे यूट्यूब के ऊपर देगा। तो यही बात है यार, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे जस्ट का बढ़ रहे हैं उसकी यही वजह है कि मैं डेली बेस पर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं कि मैं डेली में एक या दो वीडियो अपलोड करता हूँ, मैंने टाइम रखा हुआ सुबह का शाम का। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी अपना टाइम रख लो और अपना ये बना लो कि भाई मैंने वीडियो अपलोड करनी करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, अब मैंने वीडियो अपलोड करनी करनी है। तो जैसे ही आप ये सोच लोगे तो आपकी जो ना आस्ता आस्ता जो ना वीडियो वायरल होना शुरू हो जाएगी और आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपने यही करना है। उसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर सोचते हो कोई ट्रिक्स होता है, कोई भी होता है, वो कुछ नहीं होता। हाँ, आप जैसे दोस्तों से शेयर करते हो, बोलते हो, उनसे सब्सक्राइब आपको मिल जाते हैं, लेकिन उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने से क्या पैसे काटोगे, 50 का लोगे, 100 का लोगे, 500 का लोगे, उसके बाद आप सब्सक्राइब कहाँ से लोगे। तो यही बात है, आपने वीडियो में सलसा बनाना है, वीडियो बनाते जाओगे तो सब्सक्राइबर आपके चैनल पर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। तो यही मेरी आपके आज की इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपको अगर वीडियो यूट्यूब पर कामयाब होना है तो आपको यूट्यूब के ऊपर जो है ना मुसलसल वीडियो अपलोड करनी होगी बिना किसी भी टेंशन लिए। नई वीडियो वाली होती ना हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आनी, आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने लगे रहना यूट्यूब के ऊपर, एक दिन आएगा कि आपकी वीडियो जरूर और जरूर वायरल होगी। तो गाइज ठीक है, कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए रेड कलर के बटन के ऊपर जो है ना क्लिक जरूर कर दिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।